नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र में कल होने वाले मतदान के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और मतदान दल भी पहाड़ी इलाकों में पहुंच चुके हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि चुनाव की सभी प्रक्रिया पूरी हो चुकी हैं और सभी पोलिंग टीमों को रवाना कर दिया गया है। कल 57 पोलिंग पार्टियां रवाना हुई थी जो पहाड़ की थी और आज 953 पोलिंग पार्टियों को भेजा गया है। उन्होंने बताया कि 100 रिजर्व पोलिंग पार्टियों को रखा गया है जिसे आवश्यकता पड़ने पर उपयोग में लाया जाएगा। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस बार पहाड़ और दुरुस्त क्षेत्रों पर किसी भी प्रकार की कोई मशीन खराब होने पर उसे तत्काल मशीन उपलब्ध कराने के लिए सभी संबंधित अधिकारी सेक्टर मजिस्ट्रेट को अतिरिक्त 2-2 होल्डिंग मशीन दी गई है जिसके चलते मतदान की प्रक्रिया ना रुके। पुलिस के लिए 2 पीएसी बटालियन, 2 बटालियन आईटीबीपी, उत्तर प्रदेश पुलिस होमगार्ड, अतिरिक्त पुलिस बल रखा गया है। पोलिंग पार्टीज का डिस्पैच हमारे जनपद की सभी विधानसभाओं के लिए आरंभ हो गया है। भीमताल विधानसभा के लिए कल ही जो दूरस्थ मतदान केंद्रों की 57 पोलिंग पार्टियां हैं वो निकल गई थी और शाम तक सकुशल अपने बूथों पर वो पहुंच भी गई थी। आज भी पोलिंग पार्टियों का मूवमेंट शुरू हो गया है और लगभग 953 में से सभी टीमों के द्वारा अपनी उपस्थिति, अपने जो है रजिस्ट्रेशन इत्यादि की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली है। 105 व्हीकल हमारे अभी तक यहाँ से मूव कर चुके हैं। कुल मिलाकर हमारी रिजर्व सहित 1120 पोलिंग पार्टियाँ जो है वो फॉर्म करी गई हैं और कुल मिलाकर 486 वाहन हमने इन पार्टियों के मूवमेंट के लिए लगाए हैं। 3361 की संख्या में पुलिस फोर्स, 2 कंपनी पीएसी और 7 कंपनी सीएपीएफ सुरक्षा कार्मिकों के रूप में लगाई गई हैं। 505 बूथों पर हमारे वेबकास्टिंग करी जाएगी जो टोटल बूथों का 50% रहेगा। जो भी पोलिंग पार्टियों का मूवमेंट होगा उसको जीपीएस के माध्यम से ट्रैक किया जाएगा और हमारे कुल मिलाकर जो कल मतदान होना है उसमें 8,119 मतदाता हमारे जो है वो वोट देंगे। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि सभी लोग, क्योंकि सारी तैयारियां पूरी प्रशासन, पुलिस और सभी लोगों की टीम ने करी हैं काफ़ी लंबे समय से, तो सभी मतदाताओं से मेरा अनुरोध है कि सभी लोग बड़ी संख्या में आएं और बूथ पर आकर अपना जो मताधिकार है उसका प्रयोग करें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।